जो स्त्री धर्म पत्नी होती है वो अपने पति को उदास नहीं देखना चाहती। जब उसका पति टेंशन में दिखाई देता है तो पत्नी को भी दुख हो जाता है कि मेरे रहते हुए पति जी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। इसलिए पतियों को चाहिए कि चिंता न करें, व्यवस्था करें, टेंशन न करें, काम करें, प्रसन्न रहें ताकि तुम्हारी पत्नी भी खुश रह सके। और जो पति धर्म पति होता है अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम रखता है वो अपनी पत्नी को मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है, रोता हुआ देखना नहीं चाहता है, सिसकता हुआ देखना नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि जब मैं आऊं तो मेरी पत्नी मधुर मधुर मुस्कुराती हुई मेरी ओर देखे, उसका मन ये होता। इसलिए स्त्रियों को भी चाहिए छोटी मोटी बातों से प्रभावित होकर के रोया न करो, दुखी न हुआ करो, थोड़ा बहुत दुख हो तो भी भुला दिया करो और अपने पति को देखकर मधुर मधुर मुस्कुरा दिया करो ताकि तुम्हारे पति की खुशियां भी बढ़ सके। जिनसे जिनसे तुम प्रेम करते हो उनको उनको तुम खुश देखना चाहते हो। हर पिता ये चाहता है, मां चाहती है कि मेरी संतान सुखी रहे, खुश रहे। इसलिए मां करीब करीब हर दूसरे तीसरे दिन बेटी की ससुराल में फोन लगाती बेटी को कि बेटी ठीक हो, खुश हो, क्योंकि बेटी की खुशी मां की खुशी है, बेटा की खुशी मां बाप की खुशी है। तुम्हारा जिनसे जिनसे लगाव है, भाव है, प्रेम है, उनकी खुशी तुम्हारी खुशी बन जाती है, उनका दुख तुम्हारा दुख बन जाता है, उनकी उदासी तुम्हारी उदासी बन जाती है, उनकी चिंता तुम्हारी चिंता बन जाती है, क्योंकि ये जिंदगी एक दूसरे से कनेक्शन में जुड़ी रहती है। इसलिए जिनसे जिनसे जुड़े हो कृपया उनको उनको खुश करने के लिए आप खुश रहना सीखो तो आपसे जुड़े सब लोग खुश रहेंगे। थोड़ा तालियां जोर से बजाना चाहिए। क्योंकि मैं भी तो आपसे जुड़ा हूं, आप खुश होगे तो मैं भी खुश हूं। तुम ऐसे सुस्त और निराश बैठोगे तो दो दिन में हम भी निपट जाएंगे। तुम भी थोड़ा हंसा भी करो, मुस्कुराए भी करो, ताली भी बजाया करो, ऐसा खुश हुआ करो कि हमको ये तोड़ा काछी बार बार याद आए और मैं खुद ही चाहूं कि तोड़ा काछी में जल्दी जाऊं, ऐसा खुश हो जाया करो। और खुश रहने से एक और फायदा है, वो बहुत बड़ा फायदा है, निःशुल्क फायदा है। जब तुम खुश रहते हो, जब तुम प्रसन्न रहते हो, जब तुम हंसते हो और जोर से हंसते हो तो तुम्हारे बॉडी के अंदर, इस शरीर के अंदर एंटोडर्फिन्स केमिकल बनता है। कौन सा केमिकल? एंटोडर्फिन्स। वो खुश रहने से ही बनता है, दुखी रहने से नहीं बनता। और वो केमिकल शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। फिर आपका शरीर बड़े बड़े रोगों से खुद ही लड़ता है, फिर आपके शरीर में बीमारियां नहीं होंगी, आप स्वस्थ रहोगे। इसलिए भी खुश रहना चाहिए ताकि तुम बीमार ना हो। हंसने की आदत बनाइए, दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है एक रोज हम न होंगे, ये झमेले तो कम होने वाले नहीं। और ये भी मत सोचो ये परिवार तुम ही चला रहे हो, ये परिवार में जितने लोग हैं सब मिलके चला रहे हैं। तुम इतना अपने सिर पर लोड क्यों ले रहे हो? एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे एक कुतिया चल रही थी, तो कुतिया बहुत कांख रही थी, आह आह आह। तो गांव के कुत्तों ने पूछा तू क्यों कांख रही है? तो कुतिया ने कहा कि इस बैलगाड़ी का वजन तो मेरे ऊपर ही है। तो गांव के कुत्ते बोले तो ये बैल क्या कर रहे हैं? बोले बैल तो खाली बैल का काम कर रहे हैं, बाकी बैलगाड़ी का वजन तो मैं ही खींच रही हूं। थोड़ी देर में वो बैलगाड़ी का धुरा टूट गया, पहिया का धुरा। अब कुतिया की पीठ पर धुरा गिरा तो कुतिया की पीठ टूट गई।
तो कुतिया करा रही थी हाई रे हाई रे। तो गांव के कुत्तों ने कहा जब बैलगाड़ी का वजन तुम लादे चल रही थी तो ये धुरा टूट कर गिरा, इसी में कमर टूट गई तुम्हारी, अब हाई रे क्यों करती हो। तो बोले जब धुरा टूटा और कमर टूटी तब पता चला बैलगाड़ी का वजन मेरे ऊपर नहीं था, बैलगाड़ी तो बैल खींच रहे थे, हम तो फालतू कांक रहे थे। तुम्हारे घर की बैलगाड़ी का वजन कौन खींच रहा है ये तुमको पता नहीं, तुम फालतू कांक रहे हो। तुम्हारे बाप भी कांक रहे थे, बाप के बाप आह आह कर रहे थे, अब वो बाप मर गए तब भी ये परिवार की बैलगाड़ी चल रही है, तुम बाप मर जाओगे तो भी चलेगी और नए बाप बनेंगे वो भी मरेंगे तो भी चलेगी, ये तो ऐसे ही संसार की गाड़ी चलती है, इसका टेंशन मत लीजिए, हंसते रहो, इस गाड़ी को खींचने में मदद करते रहो और जिंदगी में आनंदित रहो। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी, साहिब। मुस्कुराते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, घर लगन सच सदगुरु से लग जाएगी, घर लगन सच सदगुरु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। घर के काम कीजिए, सर्विस भी कीजिए, बिजनेस बहुत अच्छा कीजिए, गाड़ी भी चलाइए, लेकिन सभी कार्यों को प्रसन्न होकर कीजिए, जोश खरोश में मत कीजिए, गुस्सा में मत कीजिए, दुखी होकर मत कीजिए, जो भी कार्य करने का तुमको सौभाग्य मिला है उसको अपना जीवन का अहोभाग्य मानना चाहिए। घर के कपड़े धोने का अवसर मिल जाए तो ये सोचना चाहिए कम से कम मैं तो घर ही के कपड़े धोता हूँ, धोबी तो सबके घर के कपड़े धोता है तो धोबी से तो अच्छा। कभी यदि झाड़ू लगाने को पड़ जाए घर में अपने, तो ये मत सोचो कि मैं झाड़ू लगाने के लिए थोड़े आई हूँ, ये सोचो जो झाड़ू लगाने वाले स्वीपर लोग हैं वो तो दिन भर झाड़ू लगाते हैं, मैं तो केवल अपने घर में लगाती हूँ, वो तो सड़क पर भी लगाते हैं, ऐसा सोच करके मन को खुश कर लिया करो। कभी आपका पति डांट दे, नाराज मत होइए, दुखी मत होइए, गुरु से प्रार्थना कीजिए मेरे पति को सदबुद्धि मिले, अगली बार डांटे तो थोड़ा कम डांटे और अपना भी सुधार करिए। और कभी तुम्हारी पत्नी तुमको घुड़क दे, डपट दे, तो तुम ये समझो कि घर ही में दरोगा जी रहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। जिसकी पत्नी अपने पति को डांटती है वो पति बहुत किस्मत वाला है, क्योंकि कम से कम डांट डपट कर ही तुमको लाइन पर रखती है। अगर ये पत्नियां अपने अपने पतियों को न संभालती तो इन पतियों का कितना पतन हो जाता कुछ ठिकाना ही नहीं।
ऐसे भी इतना ये कंट्रोल करती हैं, फिर भी कोई पति दारू पी करा रहा है, कोई जर्दा खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई भांग खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, और कोई न जाने किस किस मॉडल का गीत गा रहा है। और जब तुम गंदे गीत गाते हो तुम्हारी पत्नी को डर लगता है कि ये ऐसा गीत गा रहा है, जान जा रही, तो आखिर मैं फिर कहाँ जाऊँगी, इसकी जान किधर जा रही। तो ऐसे गीत मत गाओ उल्टा पलटा, इनके दिल को क्यों घबराहट में डालते हो। नारी के अंदर बहुत गहरी भक्ति होती है। नारी जिससे जुड़ती है तो उसको समर्पित होना चाहती है। इसलिए पुरुषों को भी चाहिए कि अगर आपकी वाइफ समझाए तो थोड़ा बैठकर उनकी बात को सुन लिया करो, और अच्छी बात कोई भी समझाए उसे समझना ही बुद्धिमानी है। तो मैं आपको बता रहा था, अर्जुन कुंती के पास पहुंचते